सोचो, कैसे सब लोग अभी आपकी एग्जाम अनाउंस हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का मन नहीं कर रहा है कि सर कोविड की सिचुएशन है, कैसा स्टडी करे सर, क्या मोटिवेशन होना चाहिए, उसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ कि क्यों स्टडी करना चाहिए, अपन ने CA CS CMA क्यों करना चाहिए, क्यों इतनी मेहनत करनी चाहिए, इसका फायदा क्या हो गया आने जाने के बाद। काफी बच्चों के क्वेश्चंस थे, तो चलो आज अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फायदा क्या है, मैं इमीजिएटली बात करूंगा। देखो अभी ये लेटेस्ट वैकेंसी आई थी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, आपको क्यों पढ़ना चाहिए इमीजिएटली और क्यों इस अटेम्प्ट में क्लियर होना ही चाहिए आपको, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की लेटेस्ट वैकेंसी आई थी, उसमें बताया गया था कि CA CS CMA फ्रेशर्स उनको चाहिए थे, और उन्होंने उनका पैकेज डिक्लेयर किया था। कितना पैकेज डिक्लेयर किया था, यहाँ पे देखो 60,000 to 1,80,000 पर मंथ। मतलब आप अभी पढ़ रहे हो क्यों, क्योंकि आपको आगे नेक्स्ट आपको कितना मिलने वाला है, 60,000 to 1,80,000 ऐसी पोस्ट अभी आ रही है। और इसका फायदा क्या है CA CMA का, अब यहाँ पे दो वैकेंसी है, एक जनरल मैनेजर एक अकाउंट मैनेजर। अगर जनरल मैनेजर की मैं बात करूँ तो जनरल मैनेजर में कौन आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे कि BCOM MCOM MBA BBA लॉ वाले सब कुछ आएंगे, बट अकाउंट मैनेजर में सिर्फ क्या बोला है, यहाँ पे सिर्फ CA CS CMA ये तीनों ही लोग आएंगे, तो यहाँ पे आपको कंपटीशन नहीं है। तो फायदा क्या है CS CMA का, तो आपको यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम मिलेगा, जो बच्चे CA CS CMA के उनमें ही आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, बाकी बच्चों में आपको कंपटीशन नहीं रहेगा। और ये जो पोस्ट है वो ये ए पोजीशन की पोस्ट है, ऑफिसर ग्रेड ए, इसमें आपको 60,000 to 1,80,000 दिया जाता है, और उसके बेनिफिट भी अलग है। बच्चों अभी देखो आपका जो टाइम है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, अभी इसको वेस्ट मत करना कि मैं क्या मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ पढ़ लो। अभी ये जो टाइम है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, क्रुशियल टाइम है, और ये चीज दिमाग में डाल लो कि अभी क्लियर करना है मुझे, क्योंकि हर इंसान में कुछ कमी होती है, हर इंसान 100% नहीं होता है, अपने में भी कुछ कमी है, छोड़ दो उसे, जो आता है उस पर फोकस करो। अभी कुछ नया ट्राई मत करना कि मैं नए नोट्स किसी ने दिए, दोस्त ने बोला कि ये नोट्स नहीं, ये जो आपके पास मिला अभी उस पर ही फोकस करो, कोई नई चीज ट्राई मत करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिविजन जितनी अच्छी होगी उतने ही आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। ट्राई टू फोकस एटलीस्ट 70-80%, नॉट 100%। आप लोग क्या करते हो कि मुझे सब आना चाहिए, एग्जाम में कुछ नहीं आता, जो आपने पढ़ा है उसी पे फोकस करो, उसी को रिवाइज करो, और एग्जाम में एवरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, यही मेरे को आपको कहना है। ऐसी बहुत सारी पोस्ट आ रही है अभी मार्केट में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की है, इंडियन ऑयल कंपनी की है, जिनको फ्रेशर CA CS CMA चाहिए, और इनका पैकेज काफी अच्छा है। सोचो अभी आप मम्मी पापा से 5,000, 2,000, 1,000 मांगते हो डेली खर्च एक्सपेंसेस के लिए या मंथली, तो आपको नहीं लगता कि कुछ महीनों के बाद आप जैसे ही आपका अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा आपको भी 60,000 मिलेगा, तो सोचो 60,000 जब आएगा आपके अकाउंट पे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपकी लाइफस्टाइल कितनी चेंज होगी। तो इसलिए अपने को पढ़ना चाहिए, इसलिए अपने को स्टडी करना चाहिए, इसलिए अपने को मेहनत करनी चाहिए, तभी तो अपने दिन बदलेंगे, नहीं तो अपना दिन ऐसे ही जाएगा। इसलिए स्टडी पे फोकस करो, कि खुद को बोल दो कि अभी मुझे पढ़ना है, अभी मुझे मेहनत करना है, बाद में मुझे पैसा कमाना है, खुद को डालो। बहुत ईजी एग्जाम होती ही है, मेरे को जैसे मतलब आई गॉट 40% इन 12th ओनली, स्टिल आई डिड CS MBA BBA लॉ, क्यों, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं करूंगा। ये इजीएस्ट एग्जाम होती है, आपने दिमाग में मत डालो कि यार CA बनना CS बनना CMA बनना बहुत डिफिकल्ट होता, नहीं होता है। अगर सिलेबस आपके पास है, स्टडी आपके पास है, रिविजन करो, उसको एग्जाम में लिखो, खत्म। क्या इसमें और करना चाहिए आपको, इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप डिसाइड करते कि मुझे क्लियर करना है इस अटेम्प्ट में, तो इस अटेम्प्ट में होगा, क्योंकि अगर आपका स्टडी 70% है बट आपका कॉन्फिडेंस 100% है, तो आप 70% का 100% एग्जाम में लिख सकते हो, आप भले आपको नहीं आता हो, बट आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, भले आपका स्टडी 100% हो बट एग्जाम में आप 50% भी नहीं लिख पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्फिडेंस होगा खुद के ऊपर, अपन बहुत अच्छे है, अब बहुत अच्छे एग्जाम लिखने वाले, अब बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले अपने को, यही दिमाग में डाल लो, इतना पॉजिटिविटी भर लो, और ऐसी वैकेंसीज मार्केट में आपके लिए ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, तो जल्दी से ट्राई करो और जल्दी से पास आउट हो जाओ, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चों के लिए मैं ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे सर डाउट है या कुछ भी है, तो आप मुझे फ्रीली मैसेज कर सकते हो, या आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी करना और कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। Thank you so much.